आज पंजाब में पीएम मोदी की रैली थी, लेकिन रैली कैंसिल करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी। लेकिन मीडिया दिखा रहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच होने के कारण रैली को रद्द करना पड़ा, और कुछ मीडिया दिखा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत आज हम बताएंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध हुआ है। हर गली मोहल्ले में, रोड में, सड़कों पर जगह जगह पीएम मोदी का विरोध हुआ है और काले झंडे दिखाए गए हैं। ये सारी वीडियो आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि मीडिया किस तरीके से इमेज बनाने में लग गया है कि कैसे मोदी जी की रैली कैंसिल हुई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ट्वीट देख सकते हैं कि मीडिया कैसे कह रहा है कि उनकी मौसम की वजह से रैली कैंसिल कर दी पीएम मोदी ने। सिक्योरिटी ब्रीच होने का रीजन दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी नहीं होने के कारण, क्योंकि पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं करवाई, इस वजह से पीएम मोदी को रैली करनी पड़ी। लेकिन हकीकत कुछ और ही है, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। ये देखिए वीडियो, सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिए, थोड़ा सा टू इन में मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं पंजाब में। पंजाब में जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पंजाब के लोग आज भी गुस्से में हैं। आंदोलन अभी भले ही थोड़ा स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं ये वीडियो में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं टू विंडो में। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, पूरा सिख समुदाय जो है वहां के किसान सड़कों पर है। गो बैक मोदी ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पर भी, सड़कों पर भी, हर जगह मोदी जी का विरोध हो रहा है। उनको रैली करने नहीं दी जा रही है। देखिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर है। वहीं दूसरी तरफ जिसका असर पड़ा है उनकी रैली पर, ये खाली कुर्सियां देखिए, फोटो देखिए। मीडिया भले ही आपको कुछ और बताए, लेकिन हकीकत जो है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए खाली कुर्सियां, साफ साफ पता चलता है कि भीड़ नहीं आ पाई, जिस वजह से वहां पर किसान नाराज थे, उन्होंने विरोध किया और भीड़ नहीं आ पाई, जिसके चलते पीएम मोदी को अपना शो कैंसिल करना पड़ा, अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। ये देखिए इस वीडियो में कुछ किसान है, एम्बियंस सुन लीजिए टू विंडो में, कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो, जिस तरीके से पूरे रोड पे चक्का जाम किया हुआ है। लेकिन मीडिया ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाएगा, ये तस्वीरें सिर्फ हम दिखाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, खाली कुर्सियों की वीडियो आप देखिए, पूरी खाली पड़ी हुई है। टू विंडो में आप देखते रहिए किस तरीके से वहां पर लोग ही नहीं पहुंचे मोदी जी को सुनने के लिए, इसलिए उनको रैली कैंसिल करनी पड़ी, और उनको वहां पर काले झंडे भी दिखाए गए हैं। ये देखिए, आखिर पंजाब में रैली नहीं कर पाए मोदी, किसान विरोधी मोदी के जोरदार स्वागत के लिए खाली कुर्सियां कर रही थी इंतजार। पंजाब पहुंचने के बावजूद किसानों के विरोध के चलते रद्द करनी पड़ी रैली। ट्विटर पर भी गो बैक मोदी ट्रेंड हो रहा है, और ग्राउंड पर भी वहां पर लोग लगे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, पंजाब खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हुई। तो ये मीडिया जो है, गोदी मीडिया रीजन बता रहा है कि खराब मौसम के चलते। क्या आपको लगता है जो कैमरे का इतना दीवाना हो वो सिर्फ मौसम के, छुटपुट मौसम की वजह से रैली कैंसिल कर सकता है? अरे भैया, नेता लोग ऐसे होते हैं, बारिश भी हो जब भी कैंसिल नहीं होती। अभी यूपी में बारिश हुई थी, तमाम नेता जो है ओवैसी और रावण हो, रैली में इन्होंने भाषण दिया था बरसात में भीगते भीगते, ये देखिए। लेकिन मीडिया जो है वो तुरंत बचाव में आ जाता है, वो रीजन दूसरे लेके आ जाता है, कह रहा है कि वहां पर जो है मौसम खराब के चलते मोदी को रैली कैंसिल करनी पड़ी। दूसरा रीजन दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी के चलते, लेकिन हकीकत कुछ और है। वहां के किसानों ने रोड पे चक्का जाम कर दिया, काले झंडे दिखाए। ये देखिए दूसरी विंडो में किस तरीके से काले झंडे दिखा रहे हैं, खाली बसें जा रही है, रैली में जनता ही नहीं पहुंच पा रही। जहां यूपी में डीएम एसपी जो दिल्ली यूपी की सरकारी बसों को इस्तेमाल करते हुए भीड़ जुटा रहे थे, डीएमएसपी जो सरकारी ओहदे पे है, पॉलिटिकल पार्टी की रैली के लिए भीड़ जुटाते हैं,
पंजाब में वो चीज नहीं कर पाई ये लोग, जिसको जिसके बाद मुंह खानी पड़ी और रैली कैंसिल करके वापस आना पड़ा। ये देख लीजिए पूरी खाली कुर्सियां पड़ी है। द इंडियन एक्सप्रेस ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ नजर नहीं आ रहा, इस वजह से मोदी जी को वापस आना पड़ा। तो एक बात तो साफ है कि किसानों का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, भले ही वो पोस्टपोन कर दिया गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि किसानों की दुगनी जो आय की जो वादा किया था वो भी अभी नहीं हुआ है और एमएसपी पे भी तमाम चीजें अभी बाधित है, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया है कि किस तरीके से विरोध किया जाता है। उन्होंने रैली कैंसिल करवा दी पीएम मोदी की, आप समझिए कि किस तरीके से वो सड़कों पर उतरे, काले झंडे दिखाए। तो ये सारी वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसके पीछे गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगा कि असल वजह क्या है, वो दिखाएगा कि सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच हुई इसलिए मैं पीएम मोदी को रैली कैंसिल करनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ मौसम खराब था इसलिए पीएम मोदी को रैली कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन हकीकत क्या है वो आप यहां देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लिए एक वीडियो। तो देखा आपने किस तरीके से वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ है और पीएम मोदी को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन ये लोग किसी से भी बात करने को तैयार नहीं, चाहे छात्र हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ये सबको डंडे के जोर पे हाँकने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जनता समझ रही है और इनका बायकॉट हो रहा है हर जगह। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से मीडिया मोदी के बचाव में आ जाता है, क्या आपको लगता है कि उनका बायकॉट करना जरूरी है? अगर हाँ तो आप लोग उनका बायकॉट कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।